नमस्कार गाइस, मैं हूं कॉमिकर। अब आगे बढ़ने से पहले, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो भी ग्रूट को ढूंढेगा उसे एक शाउटआउट मिलेगा, तो डेडली गेमर और सकाराम भाई आपको एक जोरदार शाउटआउट। आज हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेस वन में अभी तक के दिखाए गए वेपन्स के बारे में जानेंगे, और इसमें हम टीवी शोज और कॉमिक्स के वेपन्स को कंसिडर नहीं करेंगे, जो है वो सिर्फ मार्वल मूवीज से। तो बिना किसी का वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। अब हमारा सबसे पहला वेपन आता है एमसीयू के सबसे पहले मूवी से, जेरिको मिसाइल। जेरिको मिसाइल एक एक्सपेरिमेंटल मिसाइल होती है जिसे स्टार्क इंडस्ट्री के सब्सिडियरी एक्यूटेक बनाता है। ये मिसाइल यूएस आर्मी के लिए बनाई गई होती है जो अफगानिस्तान में होती है, और टोनी स्टार्क इसी मिसाइल के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए अफगानिस्तान जाता है, जिसके बाद वो किडनैप होता है। अब ये मिसाइल लॉन्च के बाद 16 अलग अलग मिसाइल्स फायर करती है, जिसके इम्पैक्ट से एक जोरदार शॉक वेव प्रोड्यूस होती है। अब नेक्स्ट वेपन को जब आपने देखा होगा तब आप भी चौंक गए होंगे, तो नेक्स्ट वेपन है सोनिक टेजर। सोनिक टेजर एक हैंडहेल्ड नॉन लेथल एंटी पर्सनल वेपन है। अब ये वेपन किसी को भी हिलने से रोकता है, चाहे वो बाद में उसको पैरालाइज भी क्यों ना कर दे। ये वेपन एक ऐसी पर्टिकुलर सोनिक फ्रीक्वेंसी पे काम करता है जिसके बाद उसे सुनने वाला पैरालाइज हो जाता है, और ये वेपन ओबडाया स्टेन का सबसे फेवरेट वेपन है जिसे वो हर जगह लेके घूमता है। अब आता है रॉकेट लॉन्चर स्टार्क इंडस्ट्रीज से। ये रॉकेट लॉन्चर एक मैन पोर्टेबल एंटी टैंक रॉकेट लॉन्चर है जिसे हमने इनक्रेडिबल हल्क में देखा था। स्टार्क सोनिक कैनन, इसे भी हमने इसी मूवी में देखा था। सोनिक कैनन एक नॉन लिथल LRAD वेपन है। LRAD मतलब लॉन्ग रेंज अकोस्टिक डिवाइस। ये एक्सट्रीमली इंटेंस कंप्रेस साउंड वेव्स को फायर करता है जिससे कि ये किसी को भी इमोबिलाइज कर सकता है सिवाय हल्क के। होता क्या है कि ये सोनिक कैनन सामने वाले की हियरिंग सेंस को ओवरलोड करता है जिससे वो हिल नहीं पाता। नेक्स्ट है एक्स वाइफ मिसाइल आयरन मैन 2 से। इस मिसाइल को जस्टिन हैमर बनाता है जो कि हैमर इंडस्ट्रीज का ओनर होता है। ये मिसाइल एक काइनेटिक किल साइड विंडर है जिसके साथ एक सेकेंडरी RDX बस्ट भी है, जिसका मतलब इसे लॉन्ग रेंज से फायर करने के लिए बनाया गया होता है। ऊपर से इसकी काइनेटिक एनर्जी आर्मर टारगेट्स को पेनिट्रेट करने में मदद करता है, लेकिन विप्लेश के साथ फाइनल फाइट में जब रोडी इसे यूज करता है तब ये किसी फुसकी बॉम्ब से कम नहीं निकलता। नेक्स्ट है टेजर डिस्क। टेजर डिस्क शील्ड की क्रिएशन है जिसे नताशा रोमानोफ यूज करती है जब वो हैमर इंडस्ट्रीज में उनके गार्ड्स के साथ लड़ रही होती है। अब ये डिस्क ऐसे वेपन्स होते हैं जिसके टारगेट पे फेंकने के बाद एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज रिलीज करता है जिससे वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं। फिर आते हैं हैमर ड्रोन्स। ये ड्रोन्स रिमोट कंट्रोल मिलिट्री ड्रोन्स थे जिसे आइवन वेंको यानी कि विप्लेश डिजाइन करता है। अब हैमर इंडस्ट्रीज इसे आयरन मैन के रिप्लेसमेंट के तौर पर बनाता है, लेकिन इसके बदले आइवन वेंको इसे हैमर और आयरन मैन से बदला लेने के लिए यूज करता है। नेक्स्ट वेपन आते हैं थॉर के मूवी से। अब इन्हें प्रोनाउंस करने के लिए ही मेरा काफी वक्त चला गया। ब्रांड हेड एड्रेसिकर, फिम्बुल ड्रैगर, रिंग एंड ड्रॉर और सिफ स्वॉर्ड एंड शील्ड, ये सब एसगार्डियन वेपन्स होते हैं जिन्हें वोल्स्टैग, फैंड्रल, होगन और लेडी सिफ यूज करती है, और ये लोग डिस्ट्रॉयर के खिलाफ यही वेपन्स यूज करते हैं जब वो अर्थ पे थॉर को मारने आता है। नेक्स्ट है कास्केट ऑफ एंशिएंट विंटर्स। कास्केट ऑफ एंशिएंट विंटर्स को हमने लोकी के वीडियो में भी बताया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके यार उसे चेकआउट करना मत भूलना। अब कास्केट ऑफ एंशिएंट विंटर्स एक रेलिक और वेपन है जो फ्रॉस्ट जायंट्स को बिलोंग करता था, और फ्रॉस्ट जायंट्स इसे रियल्म कॉन्कर करने के लिए यूज करते थे। ये रेलिक इतना पावरफुल था कि इसकी इन्फाइनेट आइसी विंड पूरे प्लेनेट को बर्फ में जमा देने के लिए काफी है। इसे एसगार्ड के आइनर जार्स ने कैप्चर किया था और बाद में ओडिन के सीक्रेट वॉल में इसे सील कर दिया। फिर आता है गन्नीर स्टाफ। गन्नीर एक बहुत ही पावरफुल स्पीयर है जो उरु मेटल से बनाया गया होता है। अब गन्नीर स्टाफ को एसगार्ड के रूलर्स यूज करते हैं क्योंकि ये एसगार्ड के किंगशिप का सिंबल है। नेक्स्ट है होफाउंड, और ये हाइमडेल का प्राइम वेपन है, और होफाउंड एक ऐसी की है जिससे बायफ्रॉस्ट का ब्रिज यूज किया जाता है। अब म्योरनीर और डिस्ट्रॉय के बारे में बात करके मैं यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि वो सभी को पता है, लेकिन जो सभी को नहीं पता वो ये है कि मार्वल वालों ने म्योरनीर की डिजाइन को पहली मूवी के मुकाबले चेंज किया है। हमारी फेस वन की नेक्स्ट मूवी आती है कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर, तो चलिए उसके वेपन्स देखते हैं। अब जैसे हमें पता है कि कैप्टन अमेरिका की ये मूवी मोस्टली हाइड्रा और उसके आसपास रिवॉल्व करती है, तो इसके मोस्टली वेपन हाइड्रा के हैं, जैसे कि हाइड्रा कैनन जो कि आर्निन जोला ने बनाया था जब उसे टेसरेक के पावर के बारे में मालूम पड़ा था। ये वेपन एक स्पेशल बैटरी पे चलती है जो टेसरेक के पावर को स्टोर करती है। नेक्स्ट है हाइड्रा फ्लेम थ्रोवर्स। ये वेपन हाइड्रा का सबसे पहला एडवांस वेपन था, लेकिन बाद में जब आर्निन जोला ने टेसरेक के पावर को हार्नेस किया तब इस वेपन के प्रोडक्शन को बंद किया गया। अब हाइड्रा के हैवी असॉल्ट राइफल, हाइड्रा पिस्टल और आर्निमाइलेशन 99L असॉल्ट वेपन सब टेसरेक पे चलने वाले वेपन थे जिसे आर्निन जोला ने बनाया था, और इसी के साथ उसने टेसरेक बैटरी भी बनाई जिसमें पावर स्टोर होती है। लास्ट है हमारे कैप्टन अमेरिका की शील्ड जो कि वाइब्रेनियम से बनी होती है। अब इसके बारे में आप सभी को पता है, तो यार ज्यादा बात करके मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अब आगे बढ़ते हैं फेस वन की लास्ट मूवी की तरफ, हमारी पहली एवेंजर मूवी की तरफ। ब्लैक विडोज बाइट एक इलेक्ट्रिक शॉक वेपन है जिसे शील्ड बनवाता है नताशा रोमानोफ के लिए। अब ब्लैक विडो अपने इन्हीं ब्रेसलेट से इतने पावरफुल झटके देती है कि सामने वाला उसे खा के अनकॉन्शियस हो जाता है, और ब्लैक विडो के इस ब्रेसलेट में
इलेक्ट्रोकॉशन, ग्रैपलिंग हुक, टेजर डिस्क शूटिंग, टेजर बैटन, इलेक्ट्रिक ब्लास्ट और गैरोट भी है, जिसे वो सिचुएशन के हिसाब से यूज करती है। नेक्स्ट है सेप्टर, जिसे चितोरी आर्मी लोकी को देती है, और इसी सेप्टर में माइंड स्टोन भी होता है, जिससे बाद में वो अल्ट्रॉन वाला मामला चालू होता है। चितोरी आर्मी अपने साथ अपने अनोखे वेपन्स लेके आती है, तो यार उसे भी देख लेते हैं। सबसे पहले चितोरी बम, जिसे उन्होंने न्यूयॉर्क बैटल में यूज किया था। फिर आती है चितोरी गन। अब ये गन एक डायरेक्टेड एनर्जी पार्टिकल राइफल है, जिससे चितोरी की आधी से ज्यादा आर्मी यूज करती है। नेक्स्ट है चितोरी स्टाफ। ये स्टाफ एक हाइब्रिड एनर्जी वेपन है, जिसे अगर उसका यूजर चाहे तो उसे एज ए स्पियर या फिर एज ए राइफल भी यूज कर सकता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रॉयर आर्मर प्रोटोटाइप गन, जिसे एसगार्डियन टेक्नोलॉजी से बनाया होता है। अब इस गन को शील्ड के साइंटिस्ट डिस्ट्रॉयर को रिवर्स इंजीनियर करने के बाद बनाते हैं, और ये बहुत ही पावरफुल एनर्जी बोल्ट्स प्रोड्यूस करता है, लेकिन चार्ज होने में थोड़ा टाइम लेता है। फिर आता है हॉकाई का बो एंड एरो, जो उसे शील्ड देती है। अब इसी एरोस के सेट में उसके पास कन्वेंशनल या फिर स्टैंडर्ड एरो, स्टंट, मल्टी टिप, स्मोक स्क्रीन, ईएमपी डेटोनेटर, एक्सप्लोसिव, हैकर, बस शॉट, थर्मल, ग्रैफल, ट्राई ब्लेड, बैलिस्टिक, एसिड टिप, नेट, पल्स, माइंड रैपिंग, इलेक्ट्रिकल, ट्रैप, शैटर और फ्लेयर एरो भी है। अब मैंने इसमें वो एरोस भी बताया है जो उसके पास होकर उसने फेज वन में यूज नहीं किया। तो बस आज के लिए इतना ही, और अगर आपने हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो जाके जल्दी से कर दो। और आज की वीडियो आपको जरा भी अच्छी लगी हो या फिर इस वीडियो से कुछ भी नया जानने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपके लिए ऐसे और अमेजिंग वीडियोस लाता रहूंगा, और तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। लिखा जो भी आया मेरे जी में करे, मैंने ईमेल भेजे, मैंने डेमो सारे बस करने लगे, भेजे में था डाउट साला बस कैसे बने, पूरे थे तबाही मेरे लश्कर गए, रैप नहीं मैंने रैपर दिए, कभी दिए नहीं एफर्ट, एफर्ट दिए सब करा अकेले, जहां 10 जाने लगे आज गाना बजे 10 बार।